ख्याला थाना पुलिस ने एक होटल मालिक व दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो पहले आटे में थूक मिलाते थे और फिर रोटी को तंदूर में डालते थे इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपितों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया तीनों आरोपितों के खिलाफ जानलेवा रोग का संक्रमण फैलाने और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ बेचने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है आटे में थूक लगाने वाले दो आरोपित इब्राहिम व सभी अनवर मूलता बिहार के निवासी हैं जबकि होटल मालिक आमिर दिल्ली का ही रहने वाला है इब्राहिम सीतामढ़ी जिला स्थित बहुराहो व सभी अनवर किशनगंज जिला स्थित कतामता का रहने वाला है पुलिस ने होटल मालिक व रोटी बनाने वाले दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया पूछताछ में इब्राहिम ने रोटी पर थूके जाने की बात कबूल कर ली इसके पीछे के मकसद के बारे में आरोपितों ने कुछ नहीं बताया जब ये वीडियो दिल्ली पुलिस तक पहुंचा तो अधिकारियों ने खुद ही संज्ञान लेते हुए इस मामले पर फर दर्ज कराई और होटल की पहचान कर वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया ट्विटर के माध्यम से जिसमें डीसीपी वेस्ट को टैग किया गया था जिसमें ये दिखाया गया था कि दो शख्स रोटी बनाते वक्त उस रोटी का जो डाव होता है उसके अंदर थूक रहे हैं जिस तरीके का वीडियो हम लोगों के साथ शेयर किया गया था और उस वीडियो में ये भी बताया गया था कि ये ख्याला एरिया में कहीं वीडियो बनाया है जी तो जैसे ही हमको ये खबर लगी हमने तुरंत जो हमारी लोकल पुलिस है ख्याला में उनको बताया कि आप इसको एक बार जांच करें कि क्या सच्चाई है इस वीडियो की तो जांच में ये पता चला कि ये वीडियो वहां पर ख्याला एरिया में होटल चांद कर कर एक जगह है जो एक आमिर नाम का व्यक्ति चलाता है उसके होटल में ये वीडियो बना है और उसके होटल में काम करते हैं दो लड़के साबी अनवर और इब्राहिम जो मुख्यतः किशनगंज बिहार से आते हैं जी तो उन दो लड़कों का ये वीडियो था इस वीडियो में जो वाइट वेस्ट पहने हुए बनियान पहने हुए जो लड़का दिखता है जो कि मुख्यतः ऐसा दिखता है वीडियो के अंदर कि वो थूक रहा है जी। रोटी बनाते वक्त आटे के अंदर वो इब्राहिम है जिसने वाइट वेस्ट पहनी हुई है तो एक बार ये मामला जब हमारे संज्ञान में आ गया तो हमने तुरंत एक्शन लिया इसमें एफ हमने दर्ज कर ली है ऑलरेडी जो भी रेलिवेंट सेक्शन है आई के और इसके खिलाफ भी हमने लिखा है इसके खिलाफ हमने एक्शन लिया है जो ये होटल रन कर रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों की पहचान मोहम्मद इब्राहिम उम्र 40 साल और साबी अनवर उम्र 22 साल के रूप में हुई है दोनों आरोपी दिल्ली के ख्याला इलाके में चांद होटल चलाते हैं इस मामले में प्रशांत गौतम एडिशनल डीसीपी वेस्ट का कहना है कि हमें ट्विटर के माध्यम से वीडियो मिला था जिसे डीसी वेस्ट को टैग किया गया था वीडियो में देखा गया कि जो रोटी का आटा होता है उसमें थूक रहे हैं उसमें यह भी लिखा था कि यह वीडियो ख्याला के इलाके में कहीं पर बना है जैसे ही हमें खबर लगी हमने ख्याला की लोकल पुलिस को इस बारे में जानकारी दी और कहा कि वीडियो में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करें जांच में पता चला कि यह वीडियो ख्याला में एक होटल चांद का है होटल मालिक का नाम आमिर है और वीडियो में जो दो लोग दिख रहे हैं उनमें से एक इब्राहिम और दूसरा साबी है दोनों किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं सफ़ेद बनियान पहने दिख रहा इब्राहिम है जो आटा में थूक रहा है जैसे ही मामला आया हमने एफ़आईआर दर्ज दर्ज कर ली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी प्रश्नांत गौतम ने बताया वीडियो के आधार पर हमने आईपीसी की धारा दो सौ उनहत्तर दो सौ सत्तर दो सौ बहत्तर दो सौ तिहत्तर के तहत दोनों आरोपियों पर फर दर्ज की है इसके साथ ही एक्ट के तहत उनका चलान काटा गया है क्योंकि वे लाइसेंस के बिना होटल चला रहे थे हालांकि सभी धाराएं जमानती होने के कारण कुछ ही समय बाद दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया सबसे पहले ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सामने आया था उस वक्त भी एक शादी समारोह के दौरान एक शख्स का इसी तरह थूक कर रोटी सेंकने का वीडियो वायरल हुआ था इसके बाद एक वीडियो गाजियाबाद से भी वायरल हुआ था जिसमें भी शख्स थूक लगाकर रोटी सेंक रहा था अभी इस घटना को लोग भूले भी नहीं थे कि ऐसा ही तीसरी मामला दिल्ली से सामने आ गया सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ़ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक